नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। एक बड़ी खबर जो है सामने आ रही है, बीजेपी विधायक सहित परिवार के 6 लोगों पर विधवा महिला से रेप का आरोप हुआ लगा है और उस पर केस दर्ज हुआ है। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसे मुंबई से भदोही बुलाया गया और यहां होटल में उसके साथ विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी और उसके परिवार के 6 लोगों ने रेप किया। पीड़िता की शिकायत पर भदोही कोतवाली में 376D, 313, 504, 506 IPC की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के भदोही में बीजेपी विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, बीजेपी MLA रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जो है उनके परिवार के 6 लोगों पर रेप का आरोप लगाया है। रेप का ये आरोप एक विधवा महिला ने लगाया है जिसकी शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पीड़ित महिला का आरोप है कि वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान भदोही के एक होटल में उसके साथ रेप किया गया था। पीड़ित महिला ने मुंबई से बुलाया था भदोही। वाराणसी की रहने वाली पीड़िता ने कुछ दिनों पहले पुलिस अधीक्षक SP से मिलकर शिकायत की थी कि वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी के भतीजे संदीप त्रिपाठी ने उसे मुंबई भदोही बुलाया था। यहां भदोही के एक होटल में कई दिन तक उसको रखा गया। होटल में यहां बीजेपी विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने उसके साथ रेप किया। इतना ही नहीं, बाद में विधायक के भतीजे और बेटों ने भी अलग अलग दिनों के दौरान उसके साथ रेप किया था। पीड़ित महिला जो है ने अपने प्रार्थना पत्र में कहा है कि 2014 में विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी के भतीजे संदीप त्रिपाठी से उसकी मुलाकात मुंबई जाते समय ट्रेन में हुई थी। ट्रेन में दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई और दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर साझा किए थे। उसके बाद शादी का झांसा देकर विधायक के भतीजे संदीप ने कई साल तक उसका शारीरिक शोषण किया। वर्ष 2017 में UP विधानसभा चुनाव के दौरान विधायक के भतीजे संदीप ने उसको मुंबई से भदोही बुलाया था, जिसके बाद कई दिनों तक वो भदोही के एक होटल में रुकी थी। पुलिस ने केस दर्ज किया और जांच शुरू की है। महिला का आरोप है कि होटल में उसके साथ विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी और उसके परिवार के 6 लोगों ने रेप किया था। पीड़िता की शिकायत पर भदोही कोतवाली में 376D, 313, 504, 506 IPC धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। भदोही के SP राम बदन सिंह ने बताया कि विधायक समेत अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जांच के बाद जिस तरह के तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो है एक रिपोर्ट आई है जिसमें भदोही से बीजेपी विधायक समेत परिवार के 6 लोगों पर विधवा महिला से रेप का आरोप जो है वो लगा है। अब कितनी जो है इसमें सच्चाई निकलती है और कितना जो है वो राजनीतिक इसमें षड्यंत्र भी हो सकता है वो आने वाले समय में बताएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए नमस्ते राजस्थान न्यूज। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।